वेलकम क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैलेंडर। ओके, हम लोग कैलेंडर बहुत कॉमनली यूज़ भी करते हैं हमारे पास, और हम लोग को कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होता है कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर डे को निकालें। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स, क्या हम लोग को याद रखनी है और उसका ईजी क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहले मैं बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, अगर आप बात करें ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में हमारे लिए कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। ओके, और अगर हम लोग बात करें हमारे पास कितने वीक्स हो जाएंगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, देन 52 वीक, और जो डे बच जाता है हम लोग उसे कहते हैं वन ऑड डे। 52 वीक एंड वन ऑड डे, राइट। सेम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और जब हम लोग उसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो वीक में कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। ये हमारे पास किस में हो गया, लीप ईयर में। अब पहली बात, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारी बार करते हैं कि लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। ओके, तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनरी ईयर, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, OY मींस ऑर्डिनरी ईयर, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम। द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम। इफ द फर्स्ट डे इज मंडे, देन द लास्ट डे इज ऑल्सो मंडे, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर। एंड इन केस ऑफ लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर, द लास्ट डे इज वन डे अहेड ऑफ द फर्स्ट डे। द लास्ट डे इज वन डे अहेड, विच मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डे प्लस वन कर। तो फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे में प्लस वन, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट डे के बराबर हो जाएगा। विच मीन्स ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होंगे, लेकिन लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होगा, लास्ट डे उससे एक दिन ज़्यादा होगा, एक दिन आगे का होगा। अगर फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा, ट्यूजडे होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है, फर्स्ट डे प्लस वन डे इज इक्वल टू लास्ट डे इन केस ऑफ लीप ईयर। ओके, अब अगर हम लोग आते हैं हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, जो इसी पे बेस्ड है हमारे पास, हम लोग इनको कहते हैं हमारे पास क्वेश्चंस विद रेफरेंसेस। ओके, रेफरेंस कुछ ना कुछ गिवन होती है हमारे पास। ओके, अब देखें, इफ 1st January 2007 वाज मंडे, कौन सा डे बता रखा है, 1st January 2007। ओके, कैसा ईयर है 2007, किसी भी ईयर को जज करने के लिए लीप ईयर है या नहीं, आप उसको क्या करें, आप उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लें, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, विच मीन्स ये कैसा ईयर होगा, ये एक ऑर्डिनरी ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो 1st January 2007 का क्या था, मंडे था। देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1st January 2008, तो 1st January 2008 का क्या होगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास, अभी अभी हमने ऊपर पहला पॉइंट पढ़ा है कि ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही हमारे पास क्या होता है, वही लास्ट डे भी होता है। तो अगर देखें हमारे पास 2007 की बात चल रही है, 2007 में फर्स्ट डे कौन सा था, फर्स्ट डे था, 2007 का क्या था, मंडे था। तो 2007 का लास्ट डे 31st December भी क्या होगा, 2007 का 31st दिसंबर भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हो गया 1st January 2007 का, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया 31st December 2007 का, दोनों क्या हो गए, मंडे। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा था 1st January 2008 का क्या होगा, 1st January 2008 का क्या होगा। जब मुझे पता चल गया 31st December 2007 का क्या था, मंडे, तो उसके नेक्स्ट डे 1st January 2008 का क्या होगा, मंडे के नेक्स्ट डे कौन सा आता है, ट्यूजडे। सो माय आंसर इज ट्यूजडे। ओके, सो ऑप्शन सी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 1st January 2008 वॉज ट्यूजडे, सबसे पहले देखिए ये लीप ईयर है या नहीं, लास्ट के दो डिजिट को किससे डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, येस। तो विच मीन्स 2008 कैसा है, एक लीप ईयर है। तो अगर मैं बात करूँ, हमने ऊपर पढ़ा था जो लीप ईयर होगा हमारे लिए, उसका जो फर्स्ट डे होगा उसमें एक दिन आगे मिलाकर किसके बराबर होगा, लास्ट डे के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास 1st January 2008
8 में बता रखा है हमारे पास, और 31 दिसंबर हम लोग निकाल लेते हैं इस ईयर का 2008 का। तो अगर हम लोग बात करें 1 जनवरी 2008 का क्या था, ट्यूसडे था, ओके। तो अगर बात करें लास्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे से एक दिन आगे, तो लास्ट डे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, वेडनेसडे। कौन से ईयर में, 2008 में, क्योंकि वो क्या था, लीप ईयर था, ओके। अब लेकिन मुझसे कब का पूछा है, मुझसे पूछा है उन लोगों ने कब का, 1 जनवरी 2009। तो 31 दिसंबर 2008 का आपका क्या आ गया था यहाँ पर, ये हमारे पास वेडनेसडे। तो 1 जनवरी 2009 का क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2009 का आपका हो जाएगा क्या, थर्सडे। सो माई आंसर इज थर्सडे, ऑप्शन सी इज माई आंसर, थर्सडे। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग अपने, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th August 2011 वॉज मंडे, देन वॉट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 17th September 2011। 15th August 2011 का मुझे क्या बताया है क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखें हमारे पास 15th August 2011 का मुझे बताया है इन लोगों ने कौन सा डे, इन लोगों ने मुझे बताया मंडे, और मुझसे कब का पूछ रहे हैं ये लोग, मुझसे पूछ रहे हैं 17 सितंबर का ये लोग, ओके। 17 सितंबर 2011 का जानना चाहते हैं कि कौन सा डे होगा, ओके। सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं अगस्त और सितंबर दोनों में कितने डेज हैं बीच में मेरे पास, मैं निकाल सकता हूं हमारे पास। अगर मैं देखूं अगस्त में कहां तक आ गए, 15 तक मुझे पता है, अगस्त में टोटल डेज कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो अगस्त में अभी कितने दिन बचे होंगे, अगस्त में 16 डेज बचे होंगे हमारे पास। सितंबर में कितना जाना है, सितंबर में 17 सितंबर तक जाना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 15 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक कितने हो गए, 33 डेज हो गए, ओके। अब अगर हम लोग बात करें 33 डेज हो गए, तो 33 डेज को हम लोग वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वीक में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूं, वीक में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, 7 से डिवाइड कर लेता हूं, ओके। 7 से डिवाइड कर लूं, 7 फोरजा कितना हो गया, 7 फोरजा हो गया 28। तो कितना बच गया यहाँ पे, 5 डेज एक्स्ट्रा बच गए वीक में कन्वर्ट करने के बाद भी। तो हमारे पास 15th August 2011 का क्या था, मंडे था 15th August 2011 का। अब मुझसे कब का पूछा, 17th September 2011। तो जितने मेरे पास और डेज बच गए वो मैं गिवन में क्या कर लूँगा, अपने पास ऐड कर लूँगा गिवन में। तो अगर मैं देखूँ हमारे पास यहाँ पर क्या था, मंडे मुझे गिवन था, राइट। मंडे में कितने दिन ऐड कर लूँ, कितने दिन बच गए वीक में कन्वर्ट करने के बाद, 5 odd days। अगर मंडे फर्स्ट डे है और उसमें 5 odd days ऐड करूँ, तो 6th day कौन सा होगा, 5 days ऐड करने के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, देन माई आंसर इज सैटरडे, ओके। तो मंडे के बाद 5 days आप काउंट करिए हमारे पास 5 odd days, तो आप कहाँ आ जाएंगे, सैटरडे में आ जाएंगे। तो हम लोग देखें हमारा आंसर क्या हो जाता है, माई आंसर इज ऑप्शन सी, सैटरडे, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे, इफ 5th January 1991 वॉज सैटरडे, अब मुझे 5th January 1991 का बता रखा है क्या था, सैटरडे था, राइट। अब मुझसे पूछा कब का है, मुझसे पूछा है 4th March 1992 का क्या होगा, राइट, इसका पूछा है। अगेन फिर दोबारा से ऐसी करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, ईयर 1991 की। 1991 में कितने दिन हो चुके हैं, 1991 में 5 डेज हो चुके हैं, तो एक 1991 कैसा ईयर है, 1991 जो है हमारे पास वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो 365 डेज होंगे, 365 डेज में से 5 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितने डेज रह जाएंगे मेरे पास, 360 डेज बाकी होंगे। अब बात करें 1992 में आए हमारे पास, 1992 में कितने डेज हो गए होंगे, सबसे पहले जनवरी के कितने डेज, 31 डेज, उसके बाद फरवरी, क्योंकि 1992 एक लीप ईयर है, उसमें फरवरी में कितने डेज होंगे, फरवरी में 28, और मार्च में कितना आना है, 4th मार्च तक। तो 1992 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया मेरे पास, अगर आप लोग देखें 64, तो अगर मैं देखूं ये इन दोनों का हो गया, तो ये मेरे पास 1992 के ईयर्स हो गए और ये मेरे पास इसके ईयर्स हो गए। तो अब दोनों को हम लोग ऐड कर लें, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 360 + 64 कितना हो गया, 424, राइट। आप 424 को क्या करें, वीक में कन्वर्ट कर लिए, जितने डेज आए थे मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही करा था, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल गया वीक में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर भी हमने टोटल नंबर ऑफ डेज पता चले कितने, 424 डेज हैं। आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, वीक में कन्वर्ट कर लीजिए, 7 कितने, 7 सिक्स कितना होता है,
सेवन सिक्स 42, राइट? तो हम लोग कह सकते हैं 760 से कितना 420, तो कितने डेज बच गए मेरे पास, 4 और डेज बच जाते हैं। अब क्या करेंगे, जो रेफरेंस वाला दे रखा है सैटरडे, उसके आगे कितने और डेज काउंट कर लेने हैं, उसके आगे 4 और डेज काउंट कर लेने हैं। तो सैटरडे प्लस 4 और डेज, सैटरडे प्लस 4 और डेज, सैटरडे से आप 4 और डेज काउंट कर लीजिए, सैटरडे के बाद आप लोग 4 डेज लगा लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा वेंसडे। सैटरडे के बाद संडे एक दिन, मंडे दो दिन, ट्यूसडे तीसरा दिन, और चौथा दिन कौन सा आ गया आपके पास, वेंसडे। सो माई आंसर इज वेंसडे। तो ये मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज माई आंसर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिस पे के हमें रेफरेंस दे रखी होगी। अभी तक जितने भी हमने चारों क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये रेफरेंस दे रखी थी, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में रेफरेंस नहीं दे रखी होगी। ओके ओके, विदाउट रेफरेंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग देखें नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर, 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं जो आपको याद रखना है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, हमारे पास 5 ऑड डेज है 100 ईयर में, 200 ईयर में कितने 3, 300 ईयर में कितने 1, और 400 ईयर में कितने 0 ऑड डेज है हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास, अगर आपका आंसर आता है 0 ऑड डे तो आपका डे कौन सा होगा, संडे। अगर आपका आता है 1 ऑड डे, मंडे हो जाएगा आपका आंसर। 2 ऑड डे आता है ट्यूसडे, 3 आता है वेंसडे, 4 आता है थर्सडे, 5 आता है फ्राइडे, और 6 आता है सैटरडे। तो जैसा आपका नंबर आ जाएगा, ऑड डेज बच जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है 100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 200 में, 300 में, 400 में, क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी होगी हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप लोग सेंचुरी देखेंगे कौन सी चल रही है, उसके बाद आप देखेंगे उस सेंचुरी में कितने ईयर्स निकल चुके हैं, और फिर करंट ईयर। ओके, तो मैं एक बार फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले। लेट सपोज मैं अगर ले लूँ हमारे पास 1998 ले लिया मैंने हमारे पास, अगर मैं देखूँ हमारे पास ये कौन सी सेंचुरी है, ये जो सेंचुरी है वो चल कौन सी रही है, वो 1900 सेंचुरी चल रही है। ओके, इसमें अभी 1998 की बात की है, विच मीन्स 98 से पहले कितने ईयर्स निकल गए होंगे, उससे पहले 97 ईयर्स निकल गए होंगे। अब ये करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 98 चल रहा है। तो आप एक बार इसके स्टेप्स देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे पास विदाउट रेफरेंस, जबकि आपको कुछ नहीं पता कि हमारे पास कौन सी डेट में कौन सा डे है, कोई रेफरेंस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप सेंचुरी देखेंगे, फिर आप देखेंगे उस सेंचुरी में कितने ईयर्स पास्ट हो गए हैं, फिर आपका करंट ईयर कौन सा है। अब अगर मैं यहाँ पे 1998 के लिए आगे डेट डाल लूँ मेरे पास, ओके, तो अगर मैं डेट डाल लूँ इसके बाद, मैं लेट सपोज 1 जनवरी पहला ही दिन ले लेता हूँ मैं 1 जनवरी, ओके, तो अगर आप देखें 1 जनवरी का ही है मेरे पास, तो यहाँ पर हमारे पास, तो सबसे पहले आप लोग इसको क्लासिफाई करेंगे हमारे पास ईयर्स के अकॉर्डिंग। जो आप देखिए ऊपर ईयर्स लिखे 100, 200, 300, 400, तो सबसे पहले बड़े वाले से लेंगे 400 सबसे पहले आएंगे, कितना 1600 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0 ऑड डेज हो गए हमारे पास, 0 ऑड डेज। बाकी कितने ईयर्स और बच गए, 300 ईयर्स और बच गए, 300 ईयर्स में कितना ऑड डे हो गया, 1 ऑड डे हो गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पर कितने हो जाते हैं, 1 ऑड डे हो जाता है। 97 ईयर्स में आपको दो क्लासिफाई करना पड़ेगा हमारे पास, किसमें, एक ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा आपको किसमें, लीप ईयर में। तो आप लीप ईयर निकालने के लिए इसको क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दिए। जब हमने 4 से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कितना, 24। ओके, तो अगर हम लोग 97 माइनस 24 कर दें हमारे पास तो कितना आ जाएगा, तो मेरे पास बाकी कितना हो गया, बाकी मेरे पास ये आ गया कितना, 73। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो हम लोग इसके भी ऑड डेज निकाल लेंगे हमारे पास पास्ट ईयर के हमारे पास, और इनका हम लोग इनका भी यहाँ पर सम कर लेंगे हमारे पास। ओके, तो अगर इनका भी सम कर लेंगे हमारे पास, ओके, सेंचुरी के ऑड डेज का सम कर लिया था हम लोगों ने यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पास्ट ईयर के कर लिया, और जो करंट ईयर है उसमें हमारे पास पहला ही दिन है, फर्स्ट ही डे है, तो एक ही ऑड डे है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग हमेशा यहाँ पर काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, सेंचुरी में 1 मिला था, पास्ट ईयर में 121 मिले थे, और इसमें कितना हो गया था मेरे पास, 1, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 123 ऑड डेज। ओके, तो आप एक बार इस मेथड को देखिएगा। अब हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने। ओके
ओके, हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 1st अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? आज़ादी का दिन जो था हमारा, इंडिपेंडेंस डे जो था हम लोग के पास, वो कौन सा डे था? ओके, तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि सबसे पहले आप देखिए हमारे पास सेंचुरी कौन सी चल रही है हमारे पास, ओके, तो सेंचुरी देखेंगे कौन सी सेंचुरी है, 1900 सेंचुरी है, ओके, उसके बाद देखिए आप पास्ट ईयर्स, 1947 से पहले कितने ईयर निकल चुके होंगे, 46 ईयर इस सेंचुरी में कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर देखें हमारे पास करंट ईयर कौन सा चल रहा था, ये 47 चल रहा था, राइट? तो अब अगर हम लोग देखें, सबसे पहले आप इसको क्लासिफाई कर लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पर, तो हमारे पास ये आ गया कितना 1600, और ये आ गया बाकी कितने 300, 1600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 1600 ईयर में मैंने आपको बताया था हमारे पास 400 में जीरो होता है, तो 1600 में भी कितना होगा, जीरो, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, वन ऑड डे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास सेंचुरी में कितने आ गए, वन ऑड डे आ गया, राइट? अब अगर हम लोग बात करें हमारे पास 46 में, ओके, 46 ईयर में आपको कैलकुलेट करना होगा हमारे पास इसमें कितने आपके पास ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने आपके पास लीप ईयर हैं, तो इसके लिए आप इसको क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आ गया, 11, 46 माइनस 11 कितना हो जाता है, 35। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, वन ऑड डे, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, टू ऑड डे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए हमारे पास कितना हो गया, 35 and 22, कितना हो जाता है हमारे पास, 35 and 22 हो जाता है हमारे पास कितना, 57। ओके, अब आते हैं पर्टिकुलर ईयर, किसकी बात हो रही थी, 1947 की बात हो रही थी, 47 कैसा ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है, ओके, अब देखना शुरू करते हैं 47 में कौन सी डेट में जाना है, 15th अगस्त में जाना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा हमारे पास जनवरी, जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, जनवरी में जो मेरे पास ऑड डेज होंगे वो होंगे हमारे लिए कितने, जनवरी में हमारे लिए होगा कितना, हम लोग ले सकते हैं हमारे पास जनवरी में 328 डेज होते हैं, तो 3 डेज बच जाएंगे 31 में से, फरवरी में 28 डेज होते हैं, 0 ऑड डेज 7 से डिवाइड होने के बाद, मार्च में 31 होते हैं, अगेन 3, अप्रैल में 30 होते हैं तो 2, मई में 31 होते हैं, अगेन 3, देन जून में हमारे पास 30 होते हैं तो 2, जुलाई में हमारे पास 31 होते हैं तो 3, और अगस्त में हमारे पास कितना दे रखा है, 15th अगस्त जाना है मुझे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने ऑड डेज बच जाएंगे, 1 ऑड डे बच जाएगा, तो आप एक बार इसको भी सम कीजिए कितना हो जाता है, 6, 8, 11, 13 and 3, 16, और ये कितना हो गया, 17, तो आपके पास ये आपके ऑड डेज आ गए किसके, करंट ईयर के। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपको सेंचुरी के, पास्ट ईयर के और करंट ईयर के, ओके, तो काउंट करिए एक बार टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास, टोटल ऑड डेज सेंचुरी में कितने थे, 1 था, उसके बाद पास्ट ईयर में कितने थे, 57 था, और लास्ट में हमारे पास करंट ईयर में कितने थे, 17 था, ओके, तो एक बार हम लोग देखें हमारे पास ये कितना आ जाता है हमारे पास, तो अगर हम लोग इसका सम कर दें हमारे पास तो कितना हो गया, 58, और 58 प्लस 17 कितना हो गया, 75, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 75 हो गए। अब आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिए हमारे पास किस से, 7 से, जब आपने 7 से इसे डिवाइड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 7 कितने जा, 7 10 जा 70, अब आपके पास कितने डेज बच गए, 5 ऑड डेज बच जाते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था अगर आपका कितना आएगा, अगर आपका 0 ऑड डे आएगा तो आपका आंसर होगा संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेंसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, और 5 आएगा तो फ्राइडे, हमारा कितना आ रहा है, 5, तो हम लोग के पास 15th अगस्त 1947 को कौन सा डे था, 5 ऑड डे बच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट वॉज फ्राइडे, ओके, आप लोग कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं, ओके, अब हम लोग इसी में अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 22nd मार्च 2020, अभी जो हम लोग के पास हुआ है 22nd मार्च 2020, अगेन जल्दी से यही काम करना है आपको, सेंचुरी हमारे पास, अगेन पास्ट ईयर, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, करंट ईयर, तो सेंचुरी कौन सी है, ये सेंचुरी 2000 चल रही है हमारे पास, राइट? अगर देखें पास्ट ईयर
इसमें कितने साल इससे पहले निकल चुके हैं, 19 ईयर्स निकल चुके हैं। अब ये कौन सा है, ये चल रहा है हम लोग के पास कौन सा 20। तो अगर देखें 2000 तो हमारे पास, अगर मैं देखूँ हमारे पास खुद 4 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास 400 का मल्टीपल है, तो इसमें कितने ऑड डेज हो गए, 0 ऑड डे हो गए हम लोग के लिए। अब अगर देखें 19 ईयर्स में पहले निकालना है आपको लीप ईयर, ओके, कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 लीप ईयर आ चुके हैं और 19-4 कितना हो गया, 15। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डे। तो हम लोग देखें कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 8, तो टोटल हम लोग के पास कितने हो गए 23। ओके, लास्ट में आते हैं 20 पर। तो अब हमें कहाँ जाना है, मार्च 22nd में। तो सबसे पहले आते हैं जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ओके, 7 से डिवाइड करें आप बस कितने और डेज बच गए, 3 बच गए। फैब 2020 एक लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर है, तो कितने डेज होंगे, 29, 7, 4, 28 कितना बच गया, 1। और मार्च में कितना आना है, मार्च में 22nd पर आना है मुझे, ओके, तो 7, 3 से कितना हो गया, 21, तो मार्च का भी कितने डेज और बच गए, 1 डे बच गया हमारे पास एक एक्स्ट्रा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कितने टोटल ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज। तो हमें मुझे मिल गया इन तीनों का, सेंचुरी का, पास्ट ईयर का, करंट ईयर का। ओके, एक बार टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए, काउंट कीजिए कितना हो जाता है। सेंचुरी में 0 ऑड डे था, पास्ट ईयर में 23 ऑड डेज मिल गए, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर मेरे पास कितना, 5 ऑड डेज हो गया। तो अगर देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 28। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आए थे, मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, ओके, 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 28, तो कितना हो गया ये, 0। जब मैंने आपको बताया था 0 ऑड डे आ जाता है तो क्या होता है, 0 का क्या होता है, 0 का होता है संडे। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाता है, संडे। तो अगर आप लोग याद रखें जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन क्या था, संडे था हमारे पास, और वो क्या डेट थी, 22nd मार्च ही थी, और हम लोगों ने उसे क्या करा, प्रूफ कर दिया हमारे पास। तो जब भी आपको रेफरेंस नहीं दे रखी होगी तो आप लोग इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही ईजी मेथड है, ओके। अब इसमें सबसे लास्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जहां पर हमारे पास वीक ऑफ द डे के हैं, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के देखते हैं हमारे पास, जहां पर डे ऑफ द वीक दे रखा है, जहां पे हम सबको अकॉर्डिंग टू टुडे लेंगे। अगर यस्टरडे की बात करें हमारे पास, यस्टरडे का मतलब क्या हो जाता है, यस्टरडे का मतलब हो जाता है आज से एक दिन पहले, विच मीन्स टुडे माइनस 1 डे, राइट, ओके। क्या हो गया यस्टरडे, टुडे माइनस 1 डे। टुमारो क्या हो जाएगा हमारे पास, टुमारो मेरे लिए हो जाएगा क्या, टुमारो हो जाएगा टुडे प्लस 1 डे, आज के एक दिन बाद, राइट, ओके। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास डे आफ्टर यस्टरडे क्या हो जाएगा मेरे लिए, डे आफ्टर यस्टरडे का मतलब क्या हो गया मेरे लिए, डे आफ्टर यस्टरडे हो जाता है मेरे लिए क्या, डे आफ्टर यस्टरडे है मेरे लिए क्या, टुडे। टुडे को ही डे आफ्टर यस्टरडे कहते हैं, कल के जो निकल गया हमारे पास उसके एक दिन बाद, ओके। अब हम लोग बात करें डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी एक दिन पहले, विच मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, टुडे माइनस 2 डे, टुडे माइनस 2 डे हो जाएगा, ओके। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो में पहले तो आज से एक दिन आगे, और वो कह रहे हैं डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के भी एक दिन बाद, विच मीन्स टुडे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टुडे प्लस 2 डे, ओके। एक बार जो ऊपर पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से देख ली, यस्टरडे आज से एक दिन पहले, टुडे माइनस 1 डे, टुमारो टुडे प्लस 1 डे, डे आफ्टर यस्टरडे कल के बाद एक दिन, विच मीन्स आज की बात करें तो टुडे हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे टुडे माइनस 2 डेज, डे आफ्टर टुमारो टुडे प्लस 2 डेज, ओके। अब इसी टाइप में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे देन वेन विल संडे फॉल, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, डे बिफोर यस्टरडे, ओके। सबसे पहले जो दे रखा है उसी को लिख लें आप, डे बिफोर यस्टरडे क्या था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन में बता दिया है, डे बिफोर यस्टरडे क्या था, थर्सडे। डे बिफोर यस्टरडे में अगर आप लोग देखें हमारे पास, डे बिफोर यस्टरडे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डे बिफोर यस्टरडे के लिए आप लोग एक बार देखिए क्या है, आप डे बिफोर यस्टरडे के लिए क्या कह सकते हैं हमारे पास, टुडे माइनस 2 डे, ओके, ये आप लोग को क्लियर है, ओके। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास टुडे क्या हो जाएगा, टुडे इज इक्वल टू थर्सडे प्लस 2 डेज,
थर्सडे प्लस टूडे विच मीन्स टूडे क्या आ गया, टुडे आ गया मेरे पास क्या थर्सडे से, आप लोग दो दिन आगे कर लिए, थर्सडे से एक दिन आगे फ्राइडे और एक और दिन आगे क्या हो गया सैटरडे। तो टुडे का मेरे पास आंसर क्या आ गया, टुडे इज सैटरडे, राइट। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, देन व्हेन विल संडे फॉल, संडे कब होगा, आज क्या है सैटरडे, और संडे कब होगा, जब आज सैटरडे है तो संडे कब होगा, संडे मेरे लिए कल होना चाहिए, विच मीन्स संडे मेरे लिए कब होगा, संडे शुड बी टुमोरो, राइट। सो माई आंसर इज ऑप्शन बी, संडे विल बी टुमोरो। ओके, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि हर चीज़ को आप टुडे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्यूजडे फॉल्स थ्री डेज आफ्टर टुडे, ओके कब, थ्री डेज आफ्टर टुडे, ओके अब हमारे पास तीन दिन, अब के तीन दिन बाद, ओके तो लिख लेते हैं हम लोग थ्री डेज आफ्टर टुडे क्या आने वाला है, ट्यूजडे आने वाला है, ओके तो अगर हम लोग देखें हमारे पास आगे इसे देखें हमारे पास थ्री डेज आफ्टर टुडे, अब के तीन दिन बाद, ओके तो विच मीन्स हमारे पास, हम लोग इसे अगर मैं लिखूं इन टर्म्स कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे कह सकता हूं टुडे प्लस थ्री डेज क्या हो जाएगा, वो टुडे प्लस थ्री डेज ट्यूजडे आ जाएगा। तो विच मीन्स टुडे के लिए अगर मैं आज ढूंढना चाहता हूँ आज क्या होगा, आज मेरे पास क्या होगा ट्यूजडे माइनस थ्री डेज, ओके तो ट्यूजडे में से तीन दिन निकालने, एक दिन पहले क्या हो जाएगा मंडे, उससे एक और दिन पहले क्या हो जाएगा संडे, और एक और दिन पहले क्या हो जाएगा सैटरडे, ओके तो मेरे पास टुडे का मेरा आंसर क्या आ गया, टुडे इज सैटरडे, ओके लेकिन क्या पूछा है उन्होंने मुझसे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन फोर डेज बिफोर यस्टरडे, ओके फोर डेज बिफोर यस्टरडे, ओके यस्टरडे से कितने दिन पहले, चार दिन पहले, यस्टरडे से भी चार दिन पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास, ओके तो अगर आज क्या है, आज टुडे में क्या निकल के आया है मेरे पास, टुडे में निकल कर आया है सैटरडे, ओके तो यस्टरडे में क्या हो जाएगा, टुडे से एक दिन पहले क्या हो गया यस्टरडे में क्या हो जाएगा, ओके यस्टरडे में क्या हो जाएगा हमारे पास, सैटरडे में से एक दिन पहले क्या हो जाएगा, यस्टरडे क्या हो गया फ्राइडे, और यस्टरडे से भी कितना दिन पहले पूछ रहे हैं वो, फोर डेज बिफोर, उससे भी चार दिन पहले, ओके फ्राइडे से भी चार दिन पहले, तो आप लोग क्या करिए फ्राइडे में से भी चार दिन माइनस कर लीजिए हमारे पास, फ्राइडे माइनस फोर डेज, फ्राइडे में से अगर चार दिन माइनस कर लेंगे आप लोग तो आपका क्या आ जाएगा, फ्राइडे में से आप चार दिन निकालिए, एक दिन बैक आइए हमारे पास कितना, थर्सडे एक और दिन बैक आइए, सेकेंड डे बैक आइए, वेंसडे एक और दिन बैक आइए, थर्ड डे बैक आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया ट्यूजडे, और फोर्थ डे बैक आ जाएंगे तो क्या हो गया हमारे पास मंडे, सो माई आंसर इज फोर डे बैक में हमारे पास मंडे, सो माई आंसर इज ओके मंडे। सो इस तरीके के हम लोग के पास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमारे कैलेंडर में से, जहां पर सबसे पहले टाइप हम लोगों ने देखा, जहां पर आपको रेफरेंसेस दे रखी थी हमारे पास, एक डेट बता रखी होती थी, फिर आगे का वो डे पूछते थे, फिर एक और देखे हम लोगों ने जिसमें विदाउट रेफरेंस थी, और सबसे लास्ट में देखा डे ऑफ द वीक, जहां पे आप टुडे में कन्वर्ट करके कुछ भी बता सकते हैं वीक में कौन सा डे है। ओके सो ट्राई दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।